नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો જીએસ ટીવી, હું આપની સાથે મનોજ। નજર કરીએ નોન સ્ટોપ નેશનલ ન્યૂઝ પર। આજના દિને અમૃત વર્ષ પર દેશની નવી સંસદની ભેટ મળી છે, ત્યારે પીએમ મોદીએ નવી સંસદના લોકાર્પણના બીજા તબક્કામાં પીએમ મોદીએ 75 રૂપિયાના સિક્કાનું પણ લોકાર્પણ કર્યું। આ સિક્કાનું વજન 33 ગ્રામ છે। આ સિક્કો ચાંદી અને કોપરથી બનાવવામાં આવ્યો છે। आ सिक्को में माहिती अनुसार 75 रूपिया सिक्का में 50% चांदी, 40% कॉपर और 5-5% निकल और जिंकना मिश्रण थी तैयार थयेलो आ सिक्को छे। तेनो व्यास 44 मिलीमीटर हशे। 75 रूपिया सिक्काओ पर नवा संसद भवन चित्र पण छे अने ए चित्र ने नीचे 2023 पण लखायेलू छे। आ सिक्का पर अशोक स्तंभ अंकित छे अने हिंदी में संसद संकुल, अंग्रेजी में पार्लामेंट कॉम्प्लेक्स लखवामां आव्युं छे। 75 रूपियाना आ सिक्काओ पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में बास इंडिया लखायेलू छे। दिल्ली में वडाप्रधान मोदीए नवनिर्मित संसद भवन ने राष्ट्र ने समर्पित कर्यु छे। पीएम मोदीए जणाव्युं छे के दरेक देश की विकास यात्रा में जे केटलाक क्षण एवा होय छे जे अमर थई जाय छे। 28 मे ना रोज आ दिव्य शुभ दिवस है। देश की स्वतंत्रता 75 वर्ष पूरा थवा बदल अमृत महोत्सव मनावामां आवी रह्यो छे। तेमणे कह्युं छे के नवा संसद भवन परिसर में सर्व पंथ प्रार्थना थई। तो पीएम मोदीए कह्युं के आ संसद मात्र भवन नहीं परंतु 140 भारतीयोना स्वप्ननुं प्रतिबिंब है। नवी संसद भवन लोकतंत्रनुं मंदिर है। देशना वडाप्रधाने कह्युं के नवुं संसद भवन अमृतकालना आत्मनिर्भर भारतना सूर्योदयनुं साक्षी बनशे। पीएम मोदीए कह्युं छे के भारत आगळ वधशे तो विश्व आगळ वधशे। नवा संसद भवनना उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन दरमियान वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं हतुं के आजना ऐतिहासिक दिवसे नवा संसद भवन में पवित्र सेंगोलनी स्थापना करवामां आवी छे। पीएम मोदीए कह्युं छे के महान चोल साम्राज्य में सेंगोल ने कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथनुं प्रतीक मानवामां आवतुं हतुं। तेमणे कह्युं छे के राजा अने अधिनमना संतोना मार्गदर्शनमां सेंगोलने सत्ताना हस्तांतरणनुं प्रतीक मानवामां आवतुं हतुं। पीएम मोदीए कह्युं छे के तमिलनाडुना अधिनमना संतो जे भवन में आशीर्वाद आपवा माटे उपस्थित थया हता। तेमणे कह्युं के नवा संसद भवन ने जोई दरेक भारतीय गर्व अनुभवे छे। पीएम मोदीए कह्युं छे के आमां वास्तु कला, कौशल, संस्कृति अने बंधारण पण सामेल छे। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। नवा संसद भवन उद्घाटन कर्या बाद वडाप्रधान मोदीए संबोधन में जणाव्युं हतुं के जूनी संसद भवन तमाम माटे तेमना कार्यों पूरा करवा मुश्केलरूप थई रह्या हता। टेक्नोलॉजी साथे संकळायेली समस्याओं हती अने ते माटे छेल्ला 1-2 दायकाओथी आ नवा संसद भवनना निर्माणनी चर्चा थई रही हती। पीएम मोदीए कह्युं छे के आगामी समयमां बेठको अने सांसदोनी संख्यामां वधारो थशे। तेमणे कह्युं हतुं के समयनी मांग हती के नवा संसद भवननुं निर्माण करवामां आवे। पीएम मोदीए कह्युं के छेल्ला 9 वर्षमां सरकारे गरीब लोको माटे 4 करोड़ आवासनुं निर्माण कर्युं छे अने लगभग 9 करोड़ शौचालयनुं बांधकाम कराव्युं छे। तेमणे कह्युं छे के सरकार गामडाओने जोडता 4 लाख किमी रोडनुं बांधकाम कराव्युं छे। बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है और हमें ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ेगी, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, वो लोग कहां बैठते हैं। और इसलिए ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। वडाप्रधान मोदीए रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जणाव्युं के 28 मे ना रोज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। तो पीएम मोदीए कह્યું છે કે સાવરકરને કાલા પાણીની સજાના ભાગરૂપે અંદમાનની જેલમાં રાખવામાં આવ્યા હતા તેની મેં મુલાકાત લીધી છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે સાવરકરના વ્યક્તિત્વમાં દ્રઢતા અને વિશાળતા હતી। તેમના સ્વભાવને ગુમાલીની જે ગુલામી છે તેની માનસિકતા ગમતી ન હતી। સામાજિક સમાનતા અને સામાજિક ન્યાય માટે સાવરકરે કરેલા પ્રયાસો છે તેને આજે પણ યાદ કરવામાં આવે છે। વડાપ્રધાન મોદીએ નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ બાદ સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં માત્ર લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્ર જ નહીં પરંતુ લોકતંત્રની જનની પણ છે। તેમણે કહ્યું છે કે ભારત આજે વૈશ્વિક લોકતંત્રનો પણ આધાર છે। વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું છે કે લોકતંત્ર આપણા માટે માત્ર વ્યવસ્થા જ નહીં પરંતુ એક સંસ્કાર છે, એક વિચાર છે અને એક પરંપરા છે। તેમણે કહ્યું છે કે મહાભારત જેવા ધર્મગ્રંથોમાં જે ગણો અને ગણતંત્રની વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે કેટલાક વર્ષોની ગુલામીએ આપણા પાસેથી આપણું ગૌરવ છીનવી લીધું। તેમણે કહ્યું છે કે 21મી સદીના ભારત છે તે ગુલામીના વિચારને પાછળ રાખી દીધું છે। નવી સંસદ ભવન તેનું જીવંત પ્રતીક બની છે। ભારત એક લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્ર ही નહીં बल्कि લોકતંત્ર की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। नवा संसद भवनનું ઉદ્ઘાટન કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું છે કે આજનો દિવસ આપણા તમામ દેશવાસીઓ માટે અવિસ્મરણીય દિવસ છે। તેમણે પોતાના ટ્વીટમાં વધુમાં કહ્યું હતું કે સંસદની નવી ઇમારત આપણા બધાને ગર્વ અને આશાઓથી ભરી દેશે। મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ દિવ્ય અને ભવ્ય ઇમારત લોકોના સશક્તિકરણની સાથે રાષ્ટ્રની સમૃદ્ધિ અને શક્તિને નવી ગતિ અને શક્તિ આપશે। बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खाने संसद की नवी इमारत की प्रशंसा करी और तेने भव्य गणाव्युं हतुं। वधुमां तेमणे कह्युं हतुं के जे लोको आपणा बंधारण ने समर्थन आपे छे आ महान राष्ट्रना दरेक नागरिकनुं प्रतिनिधित्व करे छे अने तेमां अनेक लोको जे मोदीजीनी विविधता छे तेनुं रक्षण करे छे। तो तेमना माटे आजे भव्य नवुं घर छे। नवी इमारतनो विडियो शेर करता कह्युं छे के नवा भारत माटे नवी संसद इमारत छे ते परंतु भारत माटे गौरवना वर्षो जूना स्वप्न साथे। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this brand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पहचान है। ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से, सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया। टुडे इज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी, इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर मेकिंग दिस डे पॉसिबल। गॉड ब्लेस इंडिया विद मोर एंड मोर प्रोग्रेस इन द इयर्स टू कम। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में वडाप्रधान मोदीना हस्ते नवा संसद भवनનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે કેટલાક વિપક્ષી દળોએ આ ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમનો બહિષ્કાર કર્યો અને તેઓ કાર્યક્રમમાં સામેલ થયા ન હતા। આ મુદ્દે વાતચીત કરતા કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ આરોપ લગાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે દેશમાં સારી વસ્તુઓ થાય છે એ કોંગ્રેસથી સહન થતી નથી। કોંગ્રેસ સેંગોલ વિશે જૂઠાણું ફેલાવી રહી છે। તેમણે કહ્યું છે કે સંસદ લોકતંત્રનું મંદિર છે। પ્રહલાદ જોશીએ જણાવ્યું કે નવા સંસદ ભવન વિશે વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ શેર કરવા બદલ લોકો આરજેડી પાર્ટીને યોગ્ય જવાબ આપશે। તેમણે કહ્યું છે કે અમે જૂના સંસદ ભવનમાં પણ કામ કર્યું છે અને હવે નવા સંસદ ભવનમાં પણ કામ કરીશું। कांग्रेस पार्टी को जो भी देश में अच्छा होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इतना बढ़िया काम हुआ है तो इसमें भी वो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, सिली पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जयराम रमेश ने वो सेंगोली के बारे में भी झूठ बोला, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, लोग उनको ठीक तरह से उत्तर दें। आरजेडी ने जो ताबूत से तुलना की है पार्लियामेंट के एक लोकतंत्र को, जैसे आपने कहा लोकतंत्र का मंदिर है और आज के जरूरत के आवश्यकता के अनुसार ये निर्माण हुआ है, लेकिन जिस मंदिर को ऐसे अपशब्दों से बात कर रहे लोग उनको ठीक तरह से उत्तर देंगे। नवी संसद की इमारत ने लईने आरजेडीए करेला विवादित ट्वीट पर राजकीय गरमाव जोवा मळ्यो छे। आरजेडीए नवी संसद भवन की इमारत अने ताबूतनो फोटो ट्वीट कर्यो छे, जेने लईने राजकीय धमासण जोवा मळ्युं छे, जेना पर बिहार भाजपना नेता सुशील मोदीए जवाब आप्यो छे अने राजद्रोहनो केस दाखल करवानी मांग साथे कह्युं छे कि आज भले तमाम पक्षोए लोकोए छे तेमने आ कार्यक्रमनो बहिष्कार कर्यो होय, परंतु गृहनी कामगीरी तो अहीं ज चालवानी छे। तो शुं आरजेडीए नक्की कर्युं छे कि तेओ नवा संसद भवनमां छे तेनो कायमी बहिष्कार करशे? शुं लोकसभाना सभ्यो राजीनामुं आपशे? संसद भवन जो बना है ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो कि कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है? वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए रविवार देशनी नवी संसद भवननुं उद्घाटन कर्युं। नवी संसद भवननुं उद्घाटन थयाना कलाकों बाद कोंग्रेसना पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीए पीएम मोदी पर कटाक्ष कर्या अने कह्युं के तेओ नवा बिल्डिंगमां उद्घाटनने राज्याभिषेक समारोह तरीके माने छे। राहुल गांधीए पोताना ट्विटर हेन्डल परथी लख्युं छे के संसद जनतानो अवाज छे। वडाप्रधान संसद भवनना उद्घाटनने राज्याभिषेक तरीके गणी रह्या छे। राहुल गांधीनी पार्टी कोंग्रेस पण देश ने 20 पार्टीओं में शामिल है कि जमणे नवी संसद भवन उद्घाटन नो बहिष्कार कर्यो हतो। जो कि भारतीय जनता पार्टी की आगेवानी हेठळ नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने उद्घाटन नो बहिष्कार करवानो निर्णय है। कि आपणा महान राष्ट्र ने लोकशाही की नीति और बंधारणीय मूल्यों है तेनुं घोर अपमान गणाव्युं हतुं। नवा संसद भवन उद्घाटन रविवार पीएम मोदी हस्ते करवामां आव्युं छे, जे बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्याए जणाव्युं छे कि नवा संसद भवन उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा थवुं जोईतुं हतुं, कारण के राष्ट्रपति बंधारणना वडा छे। परंतु भारतीय जनता पार्टीए राष्ट्रपतिनुं अने बंधारणनुं अपमान कर्युं छे। भाजपे साबित कर्युं छे कि तेओ दलित विरोधी अने पछात विरोधी मानसिकता धरावे छे। नए संसद भवन का उद्घाटन सही मायने में महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी ही संविधान प्रमुख हैं, वही राष्ट्राध्यक्ष हैं और दोनों सदनों की संरक्षक भी वही हैं। यहां तक कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसको केवल राष्ट्रपति जी ही संबोधित करती हैं, उनके अलावा ये किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए सर्वोच्च शिखर पर जो इसके लिए सही मायने में उद्घाटन का हकदार है वो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं। नवा संसद भवन उद्घाटन वडाप्रधान मोदी द्वारा करवामां आव्युं छे, त्यारे कांग्रेस सहित केटलाक विपक्षी दलोए आ कार्यक्रम में हाजरी नहीं आपी। आ मुद्दे बातचीत करता एनसीपी पार्टीना नेता सुप्रिया सुले जणाव्युं के लोकतंत्रने लोकतंत्र त्यारे कहेवामां आवे ज्यारे त्यां विपक्ष होय। તેમણે કહ્યું છે કે આ એક અધૂરો ઇવેન્ટ છે। સુપ્રિયા સુલેએ જણાવ્યું છે કે લગભગ 3 દિવસ પહેલા અમને WhatsApp મારફતે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું છે કે અમે એક પ્રોગ્રેસિવ વિપક્ષ છીએ અને જો દેશ હિતમાં કોઈ બાબત હોય તો અમે સરકાર સાથે કામ કરવા માટે રાજી છીએ। સુપ્રિયા સુલેએ જણાવ્યું હતું કે મેં નવા સંસદ ભવનની મુલાકાત કરી નથી। Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. रविवार दिल्ली पुलिस जंतर मंतर ने संपूर्ण रीते खाली कराव्यु हतु। अहीं कुस्तीबाजो सिवाय तमाम विरोधीओए जे जंतर मंतर परथी हटावी देवामां आव्या हता। कुस्तीबाजोना सामना हटावी जंतर मंतर पर जे सामान तेमनो हटावी सफाई करवामां आवी हती। तेमज ओलम्पिक्स अने कॉमनवेल्थ गेम्स चेम्पियन सहितना टोचना कुस्तीबाजो छे तेमनी पण अटकायत करवामां आवी हती, कारण के तेओए नवा बनेला संसद भवन बहार विरोध करवानो प्रयास कर्यो हतो। ब्रिज भूषण शरण सिंहना विरोधमां कुस्तीबाजो द्वारा रविवारे दिल्हीमां महिला सन्मान महापंचायत बोलाववामां आवी हती, तो जेना कारणे दिल्हीमां कड़क सुरक्षा व्यवस्था पण गोठववामां आवी हती। दिल्ली में रविवार सवार राजकीय गरमाओ जोवा मळ्यो। नवा संसद भवन उद्घाटन ने लईने शासक पक्ष और विपक्ष वच्चे आक्षेप प्रति आक्षेपों की प्रतिक्रिया चाली हती। दरमियान भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जे लागेला यौन शोषण आरोप सामे 23 एप्रिल थी हड़ताल पर उतरेला कुस्तीबाजो नवा संसद भवन तरफ आगळ वध्या हता, परंतु दिल्ही पुलिसे तेमने रस्तामां अटकाव्या हता। बीजी तरफ आप सांसद संजय सिंह आ घटना ने लोकशाही की हार गणावी हती। वास्तव में दिल्ली पुलिस नो विरोध करी रहेला कुस्तीबाजोनु समर्थन करता आप नेता संजय सिंह ट्वीट कर्यु छे अने कह्यु छे के एक तरफ लोकशाहीना सौथी मोटा मंदिरनु उद्घाटन अने बीजी तरफ लोकशाहीनो अंत प्रदर्शन थयुं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह की धरपकड़ करवामां आवे तेवी मांग साथे कुस्तीबाज धरणा आपी रह्या छे। त्यारे आ विषे बात करता बजरंग पुनियाए आरोप लगावता जणाव्युं छे के वडाप्रधान मोदी नवा संसद भवननुं उद्घाटन करी रह्या छे अने बीजी तरफ लोकतंत्रनी हत्या थई रही छे। तेमणे कह्युं छे के महापंचायतमां सामेल थनार घणा लोकोए वहीवटीतंत्र द्वारा अटकाववामां आव्या हता। बजरंग पुनियाए कह्युं छे के महापंचायत योजाशे। खाप पंचायतना नेता धरणा आपनार कुस्तीबाजोने समर्थन आपवा दिल्ही आव्या, त्यारे दिल्हीनी सिंधु बॉर्डर आईटीओ पर जो सुरक्षा में वधारो करवामां आव्यो छे। त्यारे दिल्ली पुलिसना स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेन्द्र पाठके जणाव्युं के नवा संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम दरमियान कोई अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे 8 से 10 हजार पुलिस कर्मीओ छे तेमने बंदोबस्त में तैनात करवामां आव्या छे। दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल दाखल दिल्ली सरकारना पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन साथे मुलाकात करी। सत्येन्द्र जैन की नादुरस्त तबियतने कारणे कोर्टे तेमने 6 अठवाडियाना जामीन आप्या छे। सत्येन्द्र जैनने मानवताना आधारे सुप्रीम कोर्टमांथी जामीन मळ्या छे। ईडीना वकीले जैनना जामीननो विरोध कर्यो हतो, परंतु भूतपूर्व प्रधानना वकीले अभिषेक मनु सिंघवीए कोर्टने कह्युं हतुं के तेमनी स्थितिने ध्यानमां राखीने ओछामां ओछा तेमने मानवताना धोरणे जामीन आपो। पूर्व मंत्री ने 2 दिवस पहला जामीन मळ्या बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार सत्येन्द्र जैन ने मळ्या हता। अमदावादना नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2023 की फाइनल मैच रमाशे। चेन्नई सुपर किंग्स अने गुजरात टाइटन्स वच्चे आ फाइनल मैच रमाशे। महेन्द्र सिंह धोनी आईपीएल नी तेमनी 250मी आ मैच रमशे। आईपीएल 2023 की सीजन धोनी 11मी आईपीएल सीरीज है, तो आईपीएल इतिहास में कोई खिलाड़ी हजू सुधी 250 T20 मैच रमी नहीं। धोनी एकमात्र एवा खिलाड़ी है कि जेमणे आ सिद्धि मेळवी है। तो आईपीएल 11 सीजन दरमियान तेओ चेन्नई सुपर किंग्स अने राइजिंग पुणे सुपर जायंट माटे मैच रमी चूक्या है। तो आनी आईपीएल 249 मैचों में कुल 5082 रन बनाव्या है। आ दरमियान 217 मैच में तेमनुं स्ट्राइक रेट 135 नुं रह्युं छे। तेमणे आईपीएल में 24 अर्धी सदी फटकारी है। झारखंडना जुदा जुदा विस्तारों में वीजळी पड़वाथी ओछामां ओछा 12 लोकोना मौत थया छे। शुक्रवारे धनबाद जिल्ला में बरवाड़ा विस्तार में वीजळी पड़वाथी एक महिला अने तेनी पुत्रीनुं मौत थयुं हतुं, ज्यारे जमशेदपुर में गुमला जिल्ला में वीजळी पड़ता 2 लोकोना मौत थया हता। गुरुवारे वीजळी पड़वाथी 7 लोकोना मौत थया हता। तो चतरा, हजारीबाग, रांची और खूंटी जिला में एक एक व्यक्ति हुसैनाबाद में बे व्यक्ति मौत थया हता। राज्यना डिजास्टर मैनेजमेंट विभागे जणाव्युं छे के आ घटना में मृत्यु पामेला लोकोना नजीकना संबंधीओ छे तेमने वळतर आपवा माटे मृतकोनी संख्या चकासवामां आवी छे। झारखंड सरकार वीजळी पड़वाथी मार्या गयेला परिवारजनोने 4 लाख रूपियानी सहाय करशे। विदेशी महिला ने छेड़ती करवा बदल महाराष्ट्र की मांजगांव कोर्टे 19 वर्षीय मैनेजर ने 2 वर्ष की सजा फटकारी है और 5,000 रूपया दंड फटकार्यो है। तो युवक पर पेरूनी महिला ने छेड़ती करवानो आरोप हतो। कोर्टे चुकादा में नोंध्यु हतुं कि आरोपीओए घणी वखत विदेशी महिला ने अयोग्य रीते स्पर्श कर्यो हतो अने तेना आ वर्तनने कारणे देशनी छबी खराब थई। ते माटे तेने योग्य सजा फटकारवामां नहीं आवे तो विश्वभर में खराब संदेश जशे। तो कोर्टे आरोपी रियाज अहमद ने आ सजा फटकारी है। विदेशी महिला मुंबई प्रवासे आई थी और महिला ज्या रोकाई थी ते गेस्ट हाउस में आरोपी मैनेजर तरीके काम करते हतो। पाकिस्तान घणा शहरों में रविवार 6 तीव्रता भूकंप आंचका अनुभवाया था। भूकंप कारण लोग घर में दौड़ी बहार आया था। तो महत्वनुं छे के अफगानिस्तान तजाकिस्तान सरहद पास आ भूकंपनुं केन्द्रबिंदु हतुं। तो पाकिस्तान इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, पिंडी सहित विस्तारों में भूकंपना आंचका अनुभवाया। जो कि अत्यार सुधी में कोईपण जानहानिना अहेवाल नथी। तो छेल्ला केटलाक समयथी पाकिस्तान में अवारनवार भूकंपना झटका आवी रह्या छे। वर्ष 2005 में पाकिस्तान में आवेला विनाशकारी भूकंपने कारण कुल 74,000 लोकोना मौत थया हता।